जिसने हमारे लिए गलत बोला वो भी तो हमारे लिए मोस्ट प्रॉबली गलत ही सोच रहा है ना इसलिए उसने गलत बोला है तो ये नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है ना कार्मिक अकाउंट चल रहा है ना लंबा चल जाएगा अगर अभी चेंज नहीं करेंगे इसको तो कट चेंज इट्स ओके जो उन्होंने बोला था उनका कोई नजरिया होगा फुल स्टॉप हम आज से और ध्यान से और अटेंशन से बात करेंगे उसका क्या करो आदमी को मैं जो आते हैं मेरे सामने अभी भी Simple है आप कहते हैं ना hmm. मैं ये और मेरे साथ ऐसा किया तब हर्ट एंगर ईगो ये सारी चीजें लिस्ट में आती हैं. तो डीप बिलीफ सिस्टम के लेवल पर चेकिंग हो जाती है अब ये करते करते हमारे सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं जीवन के वो सब बदल जाएंगे तो फिर ओरिजिनलिटी नहीं निकल कर आ जाएगी वेन यू रियली डिसाइड एंड नॉट जस्ट विश वेन यू रियली कमिट एंड नॉट जस्ट ट्राई वेन यू रियली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट जस्ट होप दैट्स वेन द मेरिकल्स हैपन मतलब विश नहीं ट्राई नहीं होप नहीं सिर्फ इच्छा करना आशा करना कोशिश करना इट विल नॉट हैपन देखते हैं ट्राई करते आ, हैं होता है होता कि है ऊपर वाले की मर्जी होगी हो तो हो जाएगा आ, किसी की दुआ लग जाएगी तो हो जाएगा कोई आशीर्वाद दे देगा दे दे तो हो जाएगा वो नहीं डिसाइड कमिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देन मेरिकल्स विल हैपन ये है हमारी अगली शक्ति निर्णय करने की शक्ति डिसीजन मेकिंग पावर जो हम लास्ट कुछ एपिसोड से देख रहे थे कि दो पावर्स जो बहुत ब्यूटिफुली कनेक्टेड है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति अगर परखने की शक्ति सही हो गई तो फिर निर्णय एक्यूरेट होगा ही प्रोवाइडेड हम उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें hmm. कई बार क्या होता है हम परख लेते हैं बात को hmm. चूज भी सही ऑप्शन करते हैं राइट right? फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं लेकिन वो डिसीशन जिसको इम्प्लीमेंट हमने करना है कई बार उस इम्प्लीमेंट में हम थोड़ा सा गैप डाल देते हैं सपोज आई अंडरस्टैंड कि मुझे रोज मेडिटेशन करना चाहिए परख लिया समझ में भी आ गया फाइनल डिसीशन भी ले लिया लेकिन कई बार डिसाइड करने के बाद हम उसको करते नहीं हैं ये बहुत खाली बहुत। करते हैं हाँ मतलब इवेल्युएट भी कर लिया कि अच्छा है ये मेरे लिए डिसाइड भी कर लिया आज से करूंगी और फिर भी नहीं किया फिर अगले दिन भी नहीं किया फिर उसके अगले दिन भी नहीं किया फिर कहा न्यू ईयर के दिन से करेंगे फिर कहा बर्थडे के दिन से करेंगे ये जो हम कई बार कर देते हैं तो ये करने से भी आत्मा की शक्ति ये कम हो जाती है देन दोज मिरेकल्स विल नॉट हैपन उसमें लिखा है मिरेकल्स विल हैपन अगर डिसाइड किया फिर कमिट किया फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ऑर्डर कितना ब्यूटीफुल है डिसीशन लिया फिर कमिट कर दिया आपने आपको उसको कि इसको तो मैंने करना ही है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली देन मिरेकल्स विल हैपन और जितना निर्णय करने की शक्ति आत्मा की बढ़ती जाएगी ऐसे तो आत्मा शक्तिशाली होती जाएगी आज हम देखते हैं कि अगर आत्मा कमज़ोर होती है तो उसकी सही निर्णय करने की शक्ति वर्क नहीं कर रही है नॉट एबल टू टेक राइट डिसीशन्स एंड समटाइम्स वी फियर टेकिंग डिसीशन सो मच दैट वी आस्क अदर पीपल टू टेक आर डिसीशंस कौन सा मैं बिजनेस करूं हाथ देखने वाले को पूछते हैं <laughs> और वो जो कुंडली वाले को बोलते हैं मैं शादी कब करूं yeah. इससे करूं कि नहीं मतलब किसी और पे वो हो जाते हैं डिपेंडेंट हो जाते हैं बिल्कुल डिपेंडेंसी ऐसी डेंजरस है ये इट्स नॉट ओनली गोइंग टू ऑल पीपल इवन अपने आस के लोगों से पूछते रहते हैं डिसीजन लेने के लिए धीरे 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 निर्णय करने की शक्ति अगर कम होती जाती है तो फिर उस निर्णय का जो कॉन्सिक्वेंस होने वाला है कोई भी डिसीशन हम लेंगे लाइफ में तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस तो आएगा ही ना फेवरेबल आएगा कई बार कई बार नॉट सो फेवरेबल आएगा लेकिन डिसीशन अगर नहीं लिया अपने आप तो सिचुएशन को फेस करने की जो पावर है उस डिसीशन के कॉन्सिक्वेंस को जो फेस करने की पावर है वो भी कम हो जाएगी तो ओवरऑल आत्मा की शक्ति कम होती जाएगी तो मेडिटेशन डेली जब हम करते हैं और आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है ये बहुत एक ब्यूटीफुल पावर है जो आत्मा के अंदर बढ़ती जाएगी फास्ट एंड एक्यूरेट डिसीशन आज दुनिया में भी फास्ट डिसीजन बहुत लोग दे हाँ ये करो हाँ ये करो लेकिन जो पिछली बार हमने मुरली में सुना परमात्मा के महावाक्य के वर्तमान और भविष्य देखकर ऐसे ही नहीं डिसीजन प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखकर एक्यूरेट पर रखना और डिसीजन लेना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है अब जब हम डिसीजन लें तो हमारा हर डिसीजन ये इवाल्युएट करके होना चाहिए कि इसका मेरे प्रेजेंट पर प्रभाव फिर इस कर्मा का फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और उस कॉन्सिक्वेंस का उस टाइम मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये इवेल्युएट करे बिना डिसीशन नहीं ले सकते हम दिस इज वेरी रिस्की कार्मिक अकाउंट कैसे बनता है उसको ध्यान में रखे बिना अब डिसीशन नहीं लेना है नहीं तो जब उसका कॉन्सिक्वेंस आता है बाद में तो फिर हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ किसी के साथ भी आज किसी ने कुछ किया हमारे साथ सपोज गलत आपने पिछले एक दो एपिसोड्स में कहा किसी ने गलत बिहेव किसी ने गलत बोलना लेकिन मैंने अब अगर ठीक रिस्पोंड नहीं किया फिर मैंने ठीक डिसीजन अगर नहीं लिया तो मैंने उस आत्मा के साथ एक क्या क्रिएट कर दिया सिस्टर जब मैं नया नया स्पिरिचुअल पाथ पे आया था अलग-अलग स्पिरिचुअल गुरुज के पास गया था सत्संग में अटेंड तो मुझे ना सब जगह सुन के टीवी पे पढ़ के देख के एक ही शब्द में पूरा ज्ञान मिला था मैंने सोचा कि इसके आगे पीछे कुछ है नहीं, इसको पकड़ लो। तो मैंने एक वर्ड ढूंढा था परिणाम खाऊंगा ये तो क्या परिणाम होगा? पीऊंगा ये तो क्या परिणाम होगा इससे बात करूंगा तो क्या परिणाम होगा यह मतलब सोचूंगा सोचूंगा वाला नहीं किया था अब हाँ हाँ हा। वो डायबर नहीं पहुंचा खाना पीना लड़ना झगड़ना प्यार करना दोस्ती करना फिजिकल फिजिकल परिणाम परिणाम में में। में सोच लिया था। right. लेकिन आपने ये जो थिंकिंग के अंदर डाला ना ना लास्ट टाइम एपिसोड वाज़ तो तो हम हमेशा तो देखते हैं ना, कि हर चीज़ थॉट से शुरू होती है परमात्मा ने सिखाया ही हमें संकल्प लेवल पर, पर परिवर्तन है लेवल पर पर परिवर्तन नहीं। Automatic आएगा। Automatic आएगा। संकल्प से तो बेहवियर, बेहवियर में आएगा तो तो मैं थॉट लेवल पे एक्टिंग को कैरेक्टर को बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक्टिंग में आ जाता है।, है।, है तो परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं थॉट लेवल पे परिवर्तन फीलिंग लेवल पे परिवर्तन संस्कार लेवल पे परिवर्तन तो, तो फिर परिणाम भी जब हमें चेक करना है किसी चीज का तो हम कई बार बिहेव अच्छा करते हैं बोलते भी मीठा है लेकिन अच्छा सोच नहीं रहे हैं किसी के लिए तो अब अच्छा सोचने के समय जब हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तब हमें चेक करना है इस थॉट का परिणाम क्या होगा लेकिन मैं ये जब ट्राई किया था तो मेरे लिए किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला सुरेश ऐसा है सुरेश वैसा है बोलता फिरा मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचू और देखू या कोई उसकी बात करे तो मुझे वही याद आता था, था। वो जाता ही नहीं दिमाग से कि उसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला और क्यों बोला इतना प्यार से रहना प्यार से मिलना मतलब तो कैसे निकाले उसको उस आत्मा ने तो अपने संस्कार परवश होकर बोला लेकिन उस फ्रेंड ने जिसको ये आदमी ने जाके बोला वो आके उसने मुझे बता दिया कोई बात नहीं ठीक है तो हमें पता चल गया राइट लेकिन हम अगर मेरा इतना विजिबल हो गया कि नेक्स्ट टाइम जब मिलूं वो ऐसे दिखता था उसको पता चल गया कि मैं अच्छी बात नहीं कर रहा है हाँ, नजदीक ना हाँ, हाँ, वो, वो हाँ, तो क्या कि उन्होंने मेरे बारे में जो कहा वो उनका नजरिया होगा अबाउट मी इट्स ओके और जिसने मुझे बताया उसने एग्जैक्टली exactly वैसे का वैसे बताया क्योंकि जब हमें सेकेंड थर्ड वर्जन आते हैं तो बात में अपनी भाव और भावना मिक्स होने के बहुत बड़े चांस लेकिन होते हैं। कुछ बातें ऐसी थी जो और किसी को मालूम नहीं थी ना नहीं नहीं, नहीं मालूम नहीं थी और वो बात बताई इज ओके लेकिन जब बताते हैं हम तो बताने में तो माइनस करने के बाद भी गलत था। बात बहुत बड़ी थी ठीक है उन्होंने बात बताई लेकिन अब अगर हम उनके बारे में वैसा सोचते रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा सोचता नहीं हाँ। वो सामने आता है तो अपने है वो आती है। हाँ वो थॉट जो आती है उसका परिणाम क्या होगा हम परिणाम डिसाइड कर रहे हैं ना परिणाम यही मेरी तरफ से वाइब्रेशन वो नेगेटिव जाती, जाती है, है। और परिणाम क्या होगा मैं 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 अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल होता हूँ बैठने का मन नहीं करता वो आके एक टेबल पे खाना खाओ तो जल्दी जल्दी उठने खाना भी मजे का नहीं लगता है और परिणाम क्या होगा यही सारी का मेरा कार्मिक अकाउंट उसके साथ बन जाएगा लॉन्ग टर्म ऐसा वो कैसे बनेगा क्यों नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही

इसलिए उसने गलत बोला है तो ये नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है ना कार्मिक अकाउंट चल रहा है ना लंबा चल जाएगा अगर अभी चेंज नहीं करेंगे इसको तो कट चेंज इट्स ओके जो उन्होंने बोला था उनका कोई नजरिया होगा फुल स्टॉप मेरा पता क्या होता है हां ओके okay. आज के बाद मैं ना किसी से भी बात नहीं करूंगा दोस्ती दोस्ती में ऐसे बोलो तो ऐसे होता है अब मैं मौन व्रत रखूंगा Now I'm going to keep कम। या तो मैं एकदम ऐसे हो जाता हूँ खुल, खुल के फिर मिस्टेक हो जाती है मिस्टेक क्यों होगी हम वर्क कर रहे हैं ना अपने मतलब दोस्ती में ये सब जो बात की वो जाके इधर बोला उधर बोला तो कितना... इसका मतलब चेंज किसको को होना था हमें होना है मुझे होने में मैं, मैं अपना चेंज बता रहा हूँ मेरा नॉर्मल नहीं होता ना एक्सट्रीम इधर होता है बैठ गए चुपचाप खाने भी तो उसका भी हमारा परिणाम अच्छा नहीं है क्योंकि अगर जब ऐसे एक्सट्रीम विद्रॉ हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद वापस बाहर आ जाए वो नेचुरल विद्रॉल नहीं है वैसे भी नेचुरल चेंज नहीं है हमें विदड्रॉ नहीं करना है हमें इनडिफरेंट नहीं करना है हमें अवेयर होना है कि ठीक है अगली बार से हम ऐसा नहीं बोलेंगे हम कर सकते हैं वो चेंज यही है डिसीशन जो हमने लेने हैं अपनी लाइफ के कितने राइट होने चाहिए ये डिसीशन कि हम कभी बात नहीं करेंगे हम उनसे कभी मिलेंगे नहीं या तो हम किसी से भी इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि हमसे गलती होती है ये डिसीशन नहीं हम आज से और ध्यान से और अटेंशन से बात करेंगे उसका क्या करो किसका जो आते मेरे सामने अभी भी सिंपल है आई एम नॉट गोइंग टू की नेगेटिव कार्मिक अकाउंट विद दिस सोल गॉड ब्लेस यू आप कहते हैं ब्लेसिंग्स फिनिश्ड फिनिश्ड उन्होंने जो, जो बोला जो उन्होंने बोला हाँ, ब्लेस दूसरों को होता है इसको इसको नहीं होता हाँ, इसको जो, भी करना चाहिए बिल्कुल है, हाँ, जो, जो उन्होंने बोला उनको सही लगा उन्होंने मेरे बारे में बोला बस हाँ, फुल स्टॉप क्यों क्या ऐसा क्यों मेरे लिए ऐसा क्यों अब मैं बात नहीं करूंगा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स ये कार्मिक अकाउंट अगर लंबे चलते हैं एनर्जी एक्सचेंज डिप्लीट होती है एनर्जी आत्मा का कार्मिक अकाउंट उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कितने लोग मिलते हैं जो कहते हैं मेरा उसके साथ ठीक नहीं था रिश्ता आत्मा ने शरीर छोड़ दिया अब मैं कैसे सॉरी मांगू या कैसे उसको फॉरगिव करूं करूँ या उससे फॉरगिवनेस मांगू तो वो सब कुछ कब करना था तब करना चाहिए था ना जब आत्मा शरीर के अंदर है तो कभी भी कार्मिक अकाउंट ऐसा नेगेटिव वाला शुड नॉट गो ऑन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा चेंज इट्स ओनली मेरा कितना नुकसान हो रहा है Thoughts का feelings का शरीर के ऊपर असर और कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट हो रहा है क्या ये मेरा डिसीजन राइट right है किसी के जाने के बाद उस सोल को सॉरी या प्यार नहीं भेज सकते के? भेज सकते हैं लेकिन होते हुए क्यों ना भेजते नहीं अगर गलती ऐसी हो गई कि वो शरीर छोड़ तो कर सकते हैं उस आत्मा को इमर्ज करके इमर्ज करके मींस याद करके अपने सामने ला के रोज़ अच्छी पॉजिटिव थॉट्स कि आपका और मेरा ये हुआ मेरे से ये गलती हुई एंड एम रियली वट एवर वी हैव टू से वी कैन से टू द सोल वी कैन डू दैट फॉर एनी सोल आत्मा तक तो सब मैसेज पहुंचता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हम दो आत्माओं की जो एनर्जी एक्सचेंज की फ्रीक्वेंसी थी उसको हम अपने अंदर सब कॉन्शियस लेवल पर जाकर हमने अब उसको चेंज कर दिया है पहले सपोज गुस्सा था नफरत थी ईर्षा थी कुछ भी था अब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हम अपने अंदर जो एनर्जी हमारी प्रोग्रामिंग में फिक्स थी वो चेंज हो जाएगी ना अब बिल्कुल सो वी कैन चेंज दैट क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन साथ साथ उनके लिए क्यों नहीं चेंज करें जो हमारे आसपास अभी है हाँ जो जिंदा है जो सामने है उनका पहले उनका कर लेना उनका क्यों नहीं कर लेना चाहिए वो इजियर है उसका परिणाम इमिजिएटली दिखाई देगा आप देखो जब आप ये ऐसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी रेडिएट करेंगे ना विच इज़ नेगेटिवली पावरफुल सामने से भी वही वाइब्रेशन आएगी एंड एक बहुत अनकम्फर्टेबल जिसको हम कहते हैं रिपल्सिव फीलिंग क्रिएट होगी कि दो दो लोग एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे और जैसे ही एक जना भी चेंज करेगा सामने से भी चेंज हो जाएगा ये कितना ईजी है करना इसीलिए हमने लास्ट टाइम सुना परमात्मा के महावाक्यों में समझ आ गया ज्ञान पता चल गया तो अब क्या करना है सरफ उसको जो आ गई चीज़ उसको अब यूज करना है परख कर ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल है स्टॉप चेक चेंज श्राद तक वेट नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं किसी ने बहुत सुंदर लिखा बोले जीता जी जीते जीत माँ बाप को तुम प्यार करो कहा हाँ उनको कौवे के रूप में बुला श्राद के के टाइम पे खिलाते पिलाते हो कब तक वेट से, से, आज विच मीन्स अभी जो आत्माएं है आसपास हैं सारी उन्हीं के साथ अपने कार्मिक कनेक्शन को क्या कर लो ब्यूटिफुल कर लो ये है सही परख और निर्णय अभी निर्णय जिसमें मेरा फायदा है सबसे अनकंडीशनली विदाउट हैविंग है रिलेशनशिप सबसे प्यार करने का कोई तरीका है क्या सबसे प्यार करने कर... वैसे ही प्यार से बात करना प्यार से मिलना वो मतलब जरूरत नहीं है तो भी अच्छी बात करना हाँ? बड़ा हो छोटा हो हाँ? ऐसा कोई उसके लिए एक सिंपल तरीका है वो करना नहीं है हुँ? लेकिन जो दूसरी डिप्लीशन और ब्लॉकेजेस हो रहे हैं उनको डिलीट करना है क्या सी प्यार नेचुरली फ्लोज डिप्लेशन ब्लॉकेजेस समझाने में प्यार आत्मा की नेचुरल क्वालिटी है ठीक है वो मेरा ब्लॉक्ड है समझो हाँ ब्लॉक्ड है मतलब ये छोटी छोटी चीजों से ब्लॉक होता है अहंकार से कोई मेरा कहना नहीं माने उससे किसी ने मेरे लिए गलत बोल दिया उससे किसी ने तो मेरे अनुसार तो सौ की लिस्ट आएगी तो सौ थोड़ी हटाऊंगा ब्लॉकेज में हां सब ब्लॉकेजेस हटाने पड़ेंगे ना फॉर इट टू फ्लो अनकंडीशनली तो एक जन्म में थोड़ी होने, होने वाला है ऑफ कोर्स होने वाला है दैट इज ओनली द जर्नी ना सी आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी एक्वायर्ड संस्कार से ढक रही है ऐसे ना ऐसे नहीं इनको वाइप आउट करके मैं एकदम आ जाऊँ सारे एक्वायर्ड संस्कार एक ही बारी में ऐसे हटा और खुद आ जाओ बाहर और मेडिटेशन करेंगे रोज हाँ जितना डेली मेडिटेट करेंगे परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा ज्ञान को रोज स्टडी करेंगे और फिर उसको रोज प्रैक्टिस में भी लाएंगे मतलब डे टू डे एक्टिविटी वो तो मैं रोज होमवर्क करता हूं। करते हैं ना तो वो रिजल्ट मिल भी तो रही है उसके ऐसे तो नहीं है कि नहीं मिल रही रिजल्ट बहुत, बहुत रिजल्ट मिली तो वो रिजल्ट किस चीज़ की रिजल्ट है कि जो अक्वायर्ड लेयर ऑफ संस्कार है वो धीरे धीरे क्या हो रही है

कोई आया ही नहीं क्या बात है रूम में तो प्यार, प्यार से बोला तो दीज आर द चेंजेस कभी दिखते भी नहीं है दीज आर द चेंजेस व्हाई हाउ नाउ वी आर सीइंग देम क्योंकि धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस हमारी अक्वायर्ड लेयर धीरे धीरे क्या होती जा रही है उतरती जा रही है जो हमने प्यार से बात करनी है इसका कोई एफर्ट नहीं करना है वो तो मैं हूँ वो तो मैं हूँ तो पावर में हूँ hmm. लव में हूँ पीस में हूँ लेकिन लेयर वाइज उसके ऊपर तो हमारा पुरुषार्थ क्या है अटेंशन क्या है एक मेडिटेशन क्योंकि मेडिटेशन से आत्मा को ये करने की पावर आएगी सेकंड नॉलेज जो रोज़ हम ज्ञान स्टडी करते हैं सेंटर पर जाके तो ज्ञान से करने की विधि आएगी तरीका आएगा पावर मिली तरीका मिला अब सारा दिन में उसको यूज़ करना है लेयर चिप ऑफ होती जाएगी धीरे 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 ओरिजिनल तो ऑलरेडी है ही वहां पे तो जैसे ओरिजिनल सामने आएगी अनकंडीशनल फ्लो होगा ज्ञान से बहुत सारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स हटते हैं और सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम जो हटता है कि मैं कौन हूँ वो अहंकार जब हर्ट होता है तभी ये अक्वाय लेयर्स के सारे रिजल्ट्स आते हैं मेरे साथ ऐसा किया जैसे आपने पहले कुछ एपिसोड्स में कहा मेरे साथ ऐसे किया अब वो मैं कौन जिसके साथ ऐसे किया जो हर्ट हो गया मैं वो अहंकार मैं वो नाम मैं वो एक्टर बॉडी कॉन्शियस जो हमारा इमेज है अपने बारे में उसको जब कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब उस अनुसार जब कोई नहीं चलेगा है ना अगर मैं आत्मा हूं या आत्मा है याद रहता उस टाइम सिंपल लाइन जो हम रोज सीखते हैं रोज 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 सेंटर पे सीखते हैं मैं आत्मा हूँ ये आत्मा है ये याद रहता तो उस समय मुझे कौन सी गाड़ी भेजी या मुझसे कैसे बात की या मुझसे नमस्ते की या नहीं की असर ही नहीं पड़ेगा किसी बात का इट इज ओनली वन इट इज मैं ये हूं और मेरे साथ ऐसा किया तब हर्ट एंगर ईगो ये सारी चीजें लिस्ट में आती हैं तो डीप बिलीफ सिस्टम के लेवल पर चेकिंग हो जाती है अब ये करते करते हमारे सारे जो रिस्पोंसेस हैं जीवन के वो सब बदल जाएंगे तो फिर ओरिजनैलिटी नहीं निकल कर आ जाएगी ऑटोमेटिकली फिर जैसे आपने कहा पता ही नहीं चलता कैसे प्यार से बात की लेकिन सारा दिन में उसमें अटेंशन भी रखना है कई बार क्या होता है कि उसकी जो ऑपोजिट होता है वो भी तो अवेयर होना चाहिए मीठा right. वाला तो मैंने कर लिया awareness. right. हाँ. लेकिन गलतियां होती वो भी हाँ, तो अवेयर होना वो अवेयर होना, होना है कि ये वापस वैसा रिमूव अब नहीं नेक्स्ट सीन में ये रिएक्शन नहीं आना चाहिए ये हम हर्ट हो गए ओके चेंज नाउ आई एम फीलिंग बैड अबाउट दिस ओके चेंज सारा दिन में वाई वी आर डूइंग दिस बीइंग पावर बीइंग शक्ति क्यों क्योंकि ये शक्तियाँ नहीं यूज़ करते तो आत्मा की पावर क्या होती गई डिप्लीट होती गई डिप्लीट होने के कारण हम अपनी ओरिजिनलिटी से दूर होते जाते हैं जितना आपने कहा वो बात तो थी ही हर्ट तो होना ही था भले सामने वाले की कितनी ना बड़ी गलती हो कितनी ना बड़ी गलती हो उसकी ये तो छोटी छोटी वाली थी ना कितनी भी बड़ी गलती हो बात को पकड़ के रखना फर्गीव ना करना भूलना नहीं खत्म नहीं करना बार बार उसको याद करना सोचना इसमें मुझ आत्मा की शक्ति कम हो रही है एंड जब मुझे आत्मा की शक्ति कम हो रही है तो फिर ओरिजिनल संस्कार सी सोल की शक्ति कम होना मतलब अक्वायर्ड संस्कार हावी होना पूरी लिस्ट आ जाएगी फिर एकदम से सामने और जैसे ही सोल पावर बढ़ेगी पूरी लिस्ट घटेगी सामने से सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन नॉट लेट स्मॉल सीन्स एंड सिचुएशंस रॉब मी ऑफ माय पावर इट्स लाइक अगर हम फिजिकल लेवल पे देखें कोई भी आया और हमारी चोरी करके चला गया अभी तो हमें बड़े चोर की भी जरूरत नहीं है कोई एक्सपर्ट चोर कोई भी आया कोई भी आता है चोरी करके चला जाता है हमारी माय पावर अवे टू पीपल एंड सिचुएशंस कांट क्योंकि आप सारा दिन में भी चेक कर लेना जितनी बार आप रिएक्ट करेंगे ना एक दिन के अंदर जितनी बार भी बात आई रिएक्ट किया बात आई रिएक्ट किया धीरे धीरे उसी दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आप अपने अक्वायर्ड संस्कार की तरफ वापस चले गए सही बात है लेकिन वहाँ से मुझे ना रूम छोड़ के चले जाना है दो दिन के लिए भाग जाना अवे रहना वो बड़ा आसान लगता है वहाँ रहते हुए करना वो तो किया ही नहीं ना फिर रूम छोड़ के चले जाए लोगों से परे हट जाए वो तो हमने कुछ दूर नहीं दूर किया करें। एक होता है हमने जो डिसीशन लिया कि हमने कहां काम करना है किसके साथ करना है कैसे रहना है और अगर दूर भी हुए चलो सपोज इनिशियली हम दूर ही हो गए लेकिन क्या मन शांत हुआ फिजिकली अगर आप दूर भी हो जाओ किसी सिचुएशन से या व्यक्ति से क्या मन शांत हुआ क्या मन ने वो सोचना बंद किया ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि अगर वो नहीं हुआ तो, तो तो पावर फिर भी डिप्लीट हो रही है एंड कई बार साइलेंस में ज्यादा पावर डिप्लीट होती है तो जैसे हम बोलना बंद कर देते हैं किसी से बात करना बंद कर देते हैं दूर हो जाते हैं लेकिन सोचते ज्यादा है फिर उस सिचुएशन और उस व्यक्ति के बारे में तो उसमें और भी ज्यादा पावर डिप्लीट हो रही है इससे अच्छा हम नॉर्मल बात अगर उनसे कर लेते फटाफट से वो डिप्लीशन बंद हो जाएगी इसी तरह इमिजिएटली डिप्लीशन बंद हो जाएगी सो so, हमारे को सारा दिन जब डिसीशन लेना है कोई भी कि मैं ऐसे करूँ जैसे आपने कहा बात करूँ या नहीं करूँ ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ साथ में काम करूँ या नहीं करूँ मिलूँ या नहीं ये सारा दिन तो डिसीशन है डिसीशंस कितने हैं लेने के लिए सारा दिन पर और ये ना ये सारे डिसीजन सारे सिस्टर uh, मैं जब स्कूल में था एक हमारी किसी टीचर ने उस लेवल पे स्कूल की एज लेवल पे एक प्रेयर सिखाई थी हमको तो आपकी बातों से मिलती जुलती है देखिए आप इफ इट इज करेक्ट विच इट सेज कि ओ गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज द करेज टू चेंज The things I can, yes. The serenity to accept the things I cannot change, very good. The courage to change the things I can, can, and the wisdom to know the difference, say, whether I can change or not change. Yes. हम उस संशय में नहीं हैं, clarity हो जाए. Clarity. कि ये change नहीं होती है, ये तो मतलब यह earthquake आ गया, अभी right. you, you can't change. Right. मतलब a clarity है. So what are the things जो we cannot change? क्या-क्या हम नहीं बदल सकते? आ आ गया, आ गया तूफान तो कभी-कभी आएगा सारा दिन में क्या नहीं चेंज कर सकते दूसरे इंसान को दूसरे आत्मा को नहीं चेंज कर सकते प्रकृति को हम नहीं चेंज कर सकते एंड कई बार सिचुएशन को भी हम चेंज नहीं कर सकते बीता हुआ है बीत पास्ट उसको, उसको नहीं चेंज कर सकतेप्टई कैन नॉट चेंज राइट करेज टू चेंज वॉट आई कैन चेंज वॉट कैन आई चेंज I can change myself. I can change my thoughts, feelings, attitudes, words, behavior, my personality. I can change everything. Then, bahar jo whatever I can change, and most important, the wisdom. Wisdom to know, to, to know the difference. To know the difference, because today we are exactly opposite. Kar rahe. आज हम में से मेजोरिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हैं because वो विजडम नहीं है डिफरेंस की हम किसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम दूसरों को बदलने की कोशिश हैं परिस्थितियों को।, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं और अपने आप को हम जैसे हैं हम कहते हैं ये ऐसे ही हो ये मेरी नेचर है इसको चेंज नहीं किया जा सकता जैसे हैं उसके साथ करते करते डिप्लेशन आ रहा है वो तो करते जैसे करते। 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 वैसे रहो तब तो भी चले लेकिन वो नीचे नीचे जाता है आत्मा आत्मा की जो शक्ति है वो डे बाय डे या तो बढ़ सकती है या घट सकती है डे बाय डे अगर अक्वायर्ड संस्कार से काम करते गए तो घटती जाएगी अगर थोड़ा सा भी अटेंशन रखे ओरिजिनलिटी की तरफ जाना शुरू कर दिया बढ़ती जाएगी तो सिंपल जर्नी है इक्वेशन भी एकदम सिंपल है तो ये डिसीशन आज लेना है कि किस डायरेक्शन में चलना है वही पुराने संस्कारों से शक्ति को घटाना है अब धीरे yeah. धीरे उन्नति की तरफ चलना है चलिए उन्नति की तरफ चल थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ओम शांति ओम शांति ओम शांति थैंक यू